2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सबसे बड़ा खुलासा। 2019 के लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान करेगा अब कांग्रेस की मदद। जी हाँ, पाकिस्तान के एक बड़े पत्रकार मुबाशेर लुकमान ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में लिखा है कि मोदी को हम जितना खतरनाक समझते हैं वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, और मोदी ने अपना असली रूप अब तक दिखाया ही नहीं है। अगर मोदी 2019 में इंडिया में फिर जीत गया तो फिर हम पाकिस्तानियों के पास कोई काम नहीं बचेगा और पाकिस्तान कहीं का भी नहीं रहेगा। पाकिस्तान का ये दर्द पहली बार सामने आया है। मुबाशेर लुकमान ने कहा है कि 2019 में मोदी इंडिया में हार जाए, यही हम पाकिस्तानियों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी जीत होगी और पाकिस्तान फिर से खड़ा हो पाएगा। अगर मोदी जीत गया तो दुनिया के देश पाकिस्तान को देश ही नहीं समझेंगे। आपको बता दें कि ये पहली बार है जब पाकिस्तान खुलकर कांग्रेस और ऐसे सभी दूसरे विपक्षी दलों को समर्थन देने की बात कह रहा है। मुबाशेर लुकमान ने आगे कहा कि 2019 में मोदी को हराने के लिए हम जो कुछ भी कर सके हमें करना चाहिए। जो लोग इंडिया में मोदी के खिलाफ खड़े हुए हैं, हमें उनकी सभी किस्म की मदद करनी चाहिए ताकि हम सब मिलकर मोदी को 2019 में हरा सकें। वैसे मुबाशेर लुकमान से पहले पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी तारिक पीर ज़ादा की बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। उसने कहा था, मोदी को रोकने के लिए इंडिया में हमें राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों की मदद करनी होगी और हिंदुओं को जातियों में तोड़ देना होगा। इन बयानों के बाद कांग्रेस को देश के सामने इन सवालों का जवाब जरूर देना चाहिए कि आखिर पाकिस्तान उसकी क्यों मदद कर रहा है, और मणिशंकर अय्यर की पाकिस्तान से नजदीकी, राहुल गांधी और संजय निरुपम का सेना पर सवाल उठाना क्या एक बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है।